गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:50 और मैं 5 उठ गया था क्योंकि मुझे अपनी मदर को छोड़ने के लिए जाना था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो डिज़ायर है इसकी जो लाइट्स है वो इतनी ज़्यादा बेकार है कि रोड के ऊपर जो थ्रो है वो हल्का सा भी नहीं हो पाता। हेलोजन लाइट्स हैं, कन्वेंशन लाइट्स, और इसकी जो थ्रो है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इवन अंधेरे के अंदर इतना ज्यादा दिक्कत होती है। अभी मैं डिपर मार रहा हूँ, आपको जस्टिस भी नहीं होगा कि कितना डिपर रोड के ऊपर जा रहा है। तो काफी गंदा जो लाइटिंग सेटअप है वो यहाँ पर डिजायर के अंदर मिलता है। आप यहाँ पर देखो, बिल्कुल भी जो थ्रो है वो रोड के ऊपर नहीं रहता। काफी जगह तो दिक्कत हो जाती है, देखना पड़ता है कि लाइट्स ऑन भी है या नहीं है। सबसे गंदी चीज मुझे डिजायर की यही लगती है। सो गाइस, अभी मैं कनॉट प्लेस की साइड से वापस घर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर इतना ज्यादा मेजर एक्सीडेंट मुझे देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से मारुति बलेनो, ये प्रीवियस वाली जो जनरेशन है ये वाली बलेनो है, और यहाँ पर जो बस है उसने किस तरीके से हिट किया इस कार को वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंदर अभी कोई भी पैसेंजर वगैरह नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है, और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाऊंगा। आप ये पहले बस देख सकते हो, ये बीच में जो पूरा फुटपाथ बना हुआ होता है और पूरा ट्राइंगल टाइप में, उसके ऊपर बस चढ़ गई है। पीछे की तरफ से बस आई और इसके आगे बलेनो थी, उसको जोर से इसने हिट किया है, और हिट करने के बाद पहले इस फुटपाथ पर टक्कर लगी है और उसके बाद बलेनो पूरी की पूरी इसके नीचे चली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह भी है। कहा जा रहा है जो अंदर ड्राइवर था उसको अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बट उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको इंजरी आई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कार बिल्कुल टोटल लॉस हो चुकी है, छत वगैरह सब पूरा पूरी तरीके से क्रश हो चुकी है। इस तरीके इस साइड से मैं आप लोगों को अंदर की सीट्स भी दिखाता हूँ। सीट आप देखो कि किस तरीके से अंदर एक दूसरे के साथ चिपक चुकी है। स्टिल हम लोग यही होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो भी अंदर ड्राइव कर रहे थे वो बस बच जाए, उनको ज़्यादा कुछ ना हो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे शॉप के काम से जाना है और साथ ही होंडा के सर्विस सेंटर भी जाना है। सो पहले क्या करूँगा, मैं पहले जाऊँगा जो शॉप का काम है वहाँ पर जाऊँगा, और उसके बाद मैं आते हुए वही सेम रूट पड़ेगा और वही सेम लोकेशन भी है, तो इसीलिए मैं होंडा के सर्विस सेंटर भी जा रहा हूँ। आज वैसे जाना ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जो पार्किंग सेंसर्स मैंने बोले थे वो मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे, साथ ही कितना काम हो गया है वो सब मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि कल जो है वो डिलीवरी मिल जाएगी। और सेम आज मैं अपने फादर की कार में ही हूँ। सो चलते हैं आगे और फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। सो सेम आज मैं अपने फादर की कार में हूँ डिज़ायर में, और आज थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है ओखला पहुँचने में क्योंकि कल संडे था, और संडे को काफ़ी कम टाइम, सिर्फ मैं 15 के अंदर ओखला पहुँच गया था अपनी लोकेशन से, जो कि अगर वीकडेज की मैं बात करूँ तो 8-10 घंटा और 35 के आसपास लग जाते हैं। सो आज देखते हैं कि होप करता हूँ कि थोड़ा सा मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच सकूँ। सो आज इतने सालों के बाद मैं पहली बार अपने एरिया के अंदर इतनी सारी गायें जो हैं काव उनको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इतने साल को बचपन में हम देखा करते थे, बट उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा बैन वगैरह हो गया कि सिटी ऐसे एरियाज़ के अंदर गायें वगैरह नहीं आएंगी तो काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं, बट आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखा। सो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डिज़ायर की आप माइलेज देखो, 16.2 जो है वो सिटी के अंदर दे रही है, काफ़ी अच्छी जो माइलेज है वो मिल जाती है। बट सुबह मैंने जो आप लोग मदर को छोड़ने के लिए गया था, ड्रॉप करने के लिए गया था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था एक एक्सीडेंट, जो कि मतलब मारुति की जो कार्स हैं उनके अंदर माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है, फ्यूल एफिशिएंट कार्स हैं, बट स्टिल इन लोगों को थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बलेनो की, डिज़ायर की, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। और कहीं ना कहीं जो है अगर पर्सन लेता है और भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो बचने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा कोलिजन होता है काफ़ी अंदर तक मेजर डैमेजेस होते हैं। सो कहीं ना कहीं मारुति को इस पे काम करना चाहिए। और अभी हाल में जो बलेनो आई है उसका 50 एक्स्ट्रा वेट हो चुका है, कहा जा रहा है कि इसके अंदर थिक मेटल शीट्स का जो है वो यूज़ किया गया है। सो आगे देखना होगा जब इसका ग्लोबल इनकैप होगा कि बिल्ड क्वालिटी वाकई इंप्रूव हुई है या फिर वो बातों वाली बात है। सो
देखते हैं, होप करते हैं कि मारुति इस पे और ज्यादा काम करे। सो गाइस, जिस काम के लिए मैं आया था वो शॉप से रिलेटेड, तो वो मेरा अब हो चुका है। अब मैं निकलूंगा सीधा होंडा सर्विस सेंटर, जो कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास दूर है। और थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गई है दिन के टाइम पे, तो एसी चलाना मुझे पड़ रहा है यहाँ पर। और जब मैं पहले निकला था तो उस टाइम एसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी। सो अब चलते हैं और मैं फिर वहाँ पर आपसे होंडा के सर्विस सेंटर में अगेन मिलता हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ होंडा के सर्विस सेंटर, यही है सर्विस सेंटर। और अब मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि कार का कितना काम हो गया है और जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं। सो गाइस, कार आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉलिशिंग वगैरह काम है सिर्फ वो बचा हुआ है, बाकी जितना भी काम था छोटा मोटा पेंट वगैरह का वो भी हो चुका है, सर्विस बस रह गई है। और जो यहाँ पर मैनेजर है वो कह रहे हैं कि कल आपको कार मिल जाएगी। सो गाइस, होंडा के सर्विस सेंटर में जो मैं पूछने के लिए गया था, इसके रियर पार्किंग सेंसर्स वो तो अवेलेबल नहीं है और कार जो है वो कल मुझे मिलने वाली है। और जो भी बाकी काम था वो सब हो चुका है, बाकी जो छोटा मोटा काम है सिर्फ वही रह गया और कल तक रेक्टिफाई हो जाएगा। अब चलते हैं घर की तरफ वापस और फिर मैं आपसे अगेन मिलता हूँ। सो गाइस, ये देखो, ये है बलिनो न्यू मॉडल। और आपको ये कितनी पसंद आती है कमेंट करके बताएं। मुझे कहीं ना कहीं ये जो इसका रियर लुक है ना, काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड वाला लुक मुझे लगता है। पहले वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, अब ये काफ़ी ज़्यादा जो इसका बूट है वो काफ़ी कंप्रेस लगता है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। किशी। सो गाइस, डेली ये जो है कम से कम आधे घंटे इसी तरीके से खेलता है, उधर भागो तो उधर आता है, उधर भागो तो उधर आता है किशी। सो गाइस, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।